क्या ये कहना सही है कि रविंद्र जडेजा घर पर मोस्ट कंप्लीट ऑलराउंडर हैं? क्योंकि रविंद्र जडेजा 2019 के बाद से जो निखर कर आए हैं वो जडेजा सबसे अलग है। ये वो जडेजा है जो पहली बात तो नंबर वन ऑलराउंडर ऑब्वियसली इस टाइम पर आईसीसी रैंकिंग में है, लेकिन सिर्फ अभी आईसीसी रैंकिंग में ये बंदा नहीं है। अगर आप टॉप फाइव ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको बड़े बड़े नाम दिखेंगे। उसमें आपको नाम दिखेगा जैक स्कैलिस का, उसमें आपको नाम दिखेगा गैरी सॉबर्स का, उसमें आपको नाम दिखेगा इमरान खान का, उसमें आपको नाम दिखेगा शॉन पॉलक का, और उसमें आपको नाम दिखेगा रविंद्र जडेजा का। ये कुछ बड़े नाम के बीच में रविंद्र जडेजा का भी नाम है, जिन्होंने 69 मैचेस खेले हैं। उनका बैटिंग एवरेज 38 का है, बॉलिंग एवरेज 25 के लगभग आसपास का है, जो दिखाता है कि रविंद्र जडेजा किस तरह से घर में बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं। और हमने ये चीज बार बार देखी है कि जब भी टीम बाहर भी ट्रैवल करती है और उस टाइम पर जब आप अपने पेसर्स को लेकर जाते हो, जैसे सपोज करो आप इंग्लैंड जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, आप पेसर्स को लेकर के वहां जाते हो, स्पिनर्स पर थोड़ा सा कम, बिकॉज ऑब्वियसली वहां के पिच उतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं होती है, बट उस केस में भी आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो जडेजा होती है, ना कि अश्विन। रीजन बीइंग ऑब्वियसली अश्विन के पास जितनी भी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं जडेजा पर उससे ज्यादा रिलाई किया जाता है। जडेजा अपने बल्ले से उससे ज्यादा कमाल दिखाते हैं। जडेजा अभी सिक्स हिटिंग में भी काफी ऊपर है। अभी हाल ही में उन्होंने जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा है और ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं। तो बैटिंग में भी जडेजा उतने आगे हैं, गेंदबाजी में भी जडेजा उतना ही आगे हैं, और जिस तरह से अगर स्पिन फ्रेंडली पिच उनको मिल जाती है तब आप हमें और आपको सबको पता है कि किस तरह से वो कमाल कर देते हैं। और जब जडेजा ये कमाल कर रहे थे तब हैदराबाद भी कमाल कर रहा था, क्योंकि हैदराबाद के पास भी अब तक जो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है, उन्होंने दिखा दिया कि जी नहीं, टेस्ट कमजोर नहीं हो रहा है। क्योंकि हैदराबाद पहले दिन में लगभग 23,000 लोग थे, 32,000 दूसरे दिन, 25,000 तीसरे दिन। जडेजा का पहला दिन जडेजा के नाम था क्योंकि उनके हाथ में गेंद थी, उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी करी थी, 3-3 विकेट लिए थे। फिर उसके बाद जब बैटिंग करने दूसरे दिन आते हैं तब भी जडेजा के नाम वो दिन था, वहां पर भी जडेजा ने कमाल दिखाया था और वहां भी सेंचुरी से बहुत क्लोज रह के, चूंकि हालांकि वो जो आउट था वो बहुत क्वेश्चनेबल था क्योंकि वो बैट और पैड का कनेक्शन ऐसा था, वहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट जनरली बैट्समैन के फेवर में जाता है, अंपायर्स बॉल पर गया था और वो डिसीजन हमने काफी बार देखे हैं ऐसे डिसीजंस, और ऐसे डिसीजंस पर क्वेश्चन उठता हुआ। खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट स्टिल वो एक वेल डिजर्व सेंचुरी से चूक गए बिकॉज उनके फेवर में वो डिसीजन नहीं गया, बिकॉज वो बॉल बैट और पैड दोनों पर एट द सेम टाइम हिट कर रही थी। कहीं ना कहीं जडेजा वहां पर अपनी सेंचुरी जरूर चूक गए, लेकिन ये जडेजा का कारनामा हैदराबाद देख रहा था, ये जडेजा का कारनामा पूरा देश देख रहा था। और जिस टाइम जडेजा ये कमाल कर रहे थे उस टाइम पर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या अक्षर पटेल को जडेजा की जगह पर खिलाया जा सकता है, क्योंकि अक्षर पटेल भी पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छा कर रहे हैं। अक्षर पटेल ने इससे पहले जब इंग्लैंड सीरीज खेली थी वहां पर भी उन्होंने 27 विकेट ले ली थी कुछ 3-4 मैचेस में, तो वहां भी बहुत बड़ा वो कमाल था, 6 इनिंग उन्होंने बॉलिंग करी थी और कुछ 27 विकेट ले ली थी। तो इस वजह से इस बार हमने अक्षर, जडेजा और अश्विन तीनों को ही देखा, लेकिन जडेजा ने ये बता दिया कि चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे आपकी अपनी सॉइल हो, चाहे बाहर की सॉइल हो, बाहर के सॉइल में प्रेफरेंस आपकी और अपनी सॉइल में तो आप नंबर वन ऑलराउंडर हो ही। तो आज शायद वो सर जडेजा का जो खिताब बहुत पहले दे दिया था एमएस धोनी ने, वो उनको पता था कि आगे आने के बाद जडेजा कुछ ऐसा कमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये कमाल हमें धोनी के जाने के बाद ज्यादा देखने को मिला है जितना उनके सामने देखने को मिला। जब जडेजा नए नए आए थे धोनी ने काफी ज्यादा बैक किया था और आज उस बैकिंग का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो नहीं, हम धोनी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, हम क्रेडिट जडेजा को ही दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वो नंबर वन ऑलराउंडर हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जडेजा के बाद दूसरा जडेजा अभी इस मोमेंट पर कोई भी दिख रहा है इंटरनेशनली? आप बेन स्टोक्स की बात कर रहे थे बट यहाँ बेन स्टोक्स हमें एज अ बैट्समैन दिख रहे हैं, ना कि एज एन ऑलराउंडर। तो क्या बेन स्टोक्स, क्योंकि एक क्लिप क्राउड के बीच में भी आई थी जहां पर बेन स्टोक्स और कोहली का कंपैरिजन किया जा रहा था, मुझे लगता है वो कंपैरिजन ही गलत था। कंपैरिजन रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स का किया जाना चाहिए, क्योंकि जडेजा जब फील्ड में रहते हैं तो भाग के 20-30 रन रोक लेते हैं, वो जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो विकेट से लेते हैं, जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो रन बनाते हैं, तो इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर। बट वही मेरा जाते जाते सवाल, क्या कोई और इंटरनेशनली ऐसा एक प्लेयर है जो अपने घर पर बीस्ट हो एज एन ऑलराउंडर, बैटिंग, बॉलिंग या फिर फील्डिंग? अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।